नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैंने अपने गांव में कई लड़ाई झगड़े देखे हैं, घरेलू भी देखे हैं जिनमें बर्तन अलग किए जाते हैं और सामान को लेकर झगड़ते हुए भी देखा है। ये भी देखा है कि जबरदस्ती निकालकर ताला लगा दिया जाता है और सामान उठाकर फेंक दिया जाता है। हो सकता है ऐसा झगड़ा आपने भी कभी देखा हो, ना देखा हो तो एकता कपूर के ड्रामे में तो देखा ही होगा। लेकिन एक सवाल हमेशा जहन में रहता है कि नेता या एक्टर के घर में ऐसे झगड़े नहीं होते होंगे, उनके घर तो बड़े ही VIP टाइप होते होंगे, मगर मेरे इस भ्रम को एक चिट्ठी ने तोड़ दिया। जी हाँ, आज से 8 साल पहले समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे और लेटर में लिखा था कि जब अखिलेश यादव अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उनके पुराने घर में रखा उनका कुछ सामान बाहर फिपा दिया गया था। हालांकि अब इस चिट्ठी का सच तो वो ही जाने, मगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी कुनबे में तल्खी किस कदर बढ़ी होगी। सामान फेंक देने के किस्से सरेआम होने लगे। जब बंटवारा होता है तो कहा जाता है कि मेरा कैलेंडर रह गया, मेरी बाल्टी रह गई, मेरी खाट दो, मेरा चूल्हा दो, और जिसके हिस्से में वो सामान होता है उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उठाकर नहीं देते बल्कि फेंक देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुलायम सिंह के कुनबे में। बता दें, रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह शिवपाल सिंह ने अखिलेश यादव का सामान एक कमरे से उठाकर फेंक दिया था। उन्होंने लिखा कि जब अखिलेश यादव अपने नए मकान में शिफ्ट हुए तो उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया कि उनका कुछ सामान पुराने घर में रह गया था, तब उनका सामान कमरे से निकलवा कर फेंकवा दिया गया और कमरे का ताला लगा कर शिवपाल विदेश चले गए। इतना ही नहीं, अक्षय यादव ने शिवपाल पर इल्जाम लगाया कि वो हमेशा अखिलेश यादव के खिलाफ रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश करते रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आपको बता दें कि जब ये चिट्ठी चर्चा में आई तो कैबिनेट से हटाए जाने के बाद शिवपाल यादव ने सपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था। शिवपाल ने कहा, रामगोपाल 3 बार BJP के बड़े नेता से मिल चुके हैं, रामगोपाल कभी किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, वे नेताजी अखिलेश यादव और सपा को कमजोर कर रहे हैं, मैंने जब पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वे दुश्मनी निकाल रहे हैं, उन्होंने भ्रम फैलाकर महागठबंधन तोड़वाया। हालांकि उस समय ये चिट्ठी काफी सुर्खियों में आई थी और विपक्षियों ने भी इस पारिवारिक कलह का भरपूर लाभ उठाया था, लेकिन समय के साथ परिवार की ये अंतर्कलह खत्म हो गई और आज अखिलेश यादव शिवपाल को एक साथ देखा जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।